अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रमज़ान का बबरकत महीना अपने इख्तिताम को पहुंचा और अब सवाल ये पैदा होता है कि अब रमज़ान के बाद हमारा क्या एटीट्यूड होगा लाइफ के बारे में। हमने रमज़ान के महीने में नमाज़ें भी पढ़ी, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिक्र किया, सदका खैरात किया और बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात और काम किए, तो क्या अब रमज़ान के बाद ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे? क्या रमज़ान के बाद हमारे मस्जिदों में जहाँ पे 10-10, 12-12 सफ़े भरी हुआ करती थी फजर की नमाज़ पे, जोहर, असर, मगरिब, इशा पे, तो क्या अब ये मसाजिद खाली हो जाएंगी? अल्लाह ना करे खाली हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अक्सर औकात खाली हो जाती हैं। अक्सर औकात लोग जितनी भी इबादत रमज़ान में करते हैं उसके बाद वो इंथूजियाज़म, वो मोटिवेशन, वो ड्राइव नहीं रहती। तो प्लीज़ अपने लिए प्लान कर लें कि हम सिर्फ रमज़ान के मुसलमान नहीं हैं, हम पूरे साल के मुसलमान हैं। तो मेरी आपसे नसीहत और गुजारिश ये है कि आप में से जो शख्स रमज़ान की इबादत करता था, जान ले कि रमज़ान का महीना आया और रमज़ान का महीना चला गया। लेकिन जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था वो ये बात जान ले कि अल्लाह अलहई है, अलकयूम है, अल्लाह को मौत नहीं आती और अल्लाह सारा साल ही हमें देख रहा होता है। अल्लाह सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं देखता, अल्लाह सारा साल देखता है जो भी आप अमाल कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला आपको साल भर में अजर सवाब ज़रूर देता है। तो मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह ताला हमारे जो भी हमने नेकी के काम किए इस महीने में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारा जिक्र, तिलावत, दावत, सदका, खैरात, नमाज, रोज़ा, सब कुछ अल्लाह सुब्हान तआला कबूल फरमाए और उसका अजर और सवाब हमें दे, हमारे अमाल की क्वालिटी की बेसिस पे नहीं, क्योंकि यकीनन हमारी अमाल की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी वीक है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शान के मुताबिक अजर और सवाब दे। तो इंशाल्लाह फैसला ये करें अपने साथ कि इस रमज़ान के बाद जितने भी आपने नेक अमाल अब तक किए हैं उनको इंशाल्लाह कैरी ऑन करें। डोंट लेट द फायर बर्न आउट। صرف قلوب